Hello, my dear students. How are you? I am sure you must be in very high spirits. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस लॉकडाउन वाले समय का पूरा अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करने के लिए फ़ायदा उठा रहे होंगे. तो आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक. और आज का टॉपिक है स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज. ए स्लाइड वायर ब्रिज और ए मीटर ब्रिज is a simple practical form of Wheatstone bridge. ऐसा है कि Wheatstone ने तो एक principle दिया कि अगर हम चार resistance लें और उनको आपस में connect करके quadrilateral बना लें A B C D. और जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में जिसमें मैंने आपको Wheatstone bridge समझाया था बताया था कि A और B के बीच में resistance हम P जोड़ते हैं. ये नाम भी हम स्टैंडर्ड लेते हैं ए बी सी डी और जो रेजिस्टेंस है उनके नाम भी पी क्यू आर एस स्टैंडर्ड ही रखते हैं. तो ए और बी में पी कनेक्ट किया था, बी और सी में क्यू किया था, ए और डी में आर किया था और सी और डी में हमने एस किया था. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पी एंड क्यू आर नॉन रेजिस्टेंसेस और जिन आर्म्स में उनको कनेक्ट करते हैं दे आर नोन एज दी रेशियो आर्म्स. आर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें से हमें जितना रेजिस्टेंस जरूरत पड़े हम निकाल सकते हैं यानी कि इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन दी सर्किट. और एस वो अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी हमने वैल्यू निकालनी होती है. ये तो उसने व्हीटस्टोन ब्रिज ने एक तरीका बता दिया हमें कि अगर हम ऐसा करें तो हम अननोन रेजिस्टेंस को बड़ा एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं. लेकिन एक्चुअली कैसे करना है उसके लिए हमें प्रैक्टिकल फॉर्म बनानी पड़ती है. एंड ए स्लाइड वायर ब्रिज और ए मीटर ब्रिज इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिकल फॉर्म्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज. इट इज़ यूज टू डिटरमिन एन अननोन रेजिस्टेंस. फिर इसके और भी यूज़ होते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ. अब है कि इसका प्रिंसिपल क्या है. तो आपने याद रखना है द वर्किंग ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ ए स्लाइड वायर ब्रिज इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. And according to the principle of Wheatstone bridge, P by Q equal to R by S when the bridge is balanced. अब यहाँ से हम unknown resistance S निकाल सकते हैं. Now we come to construction of slide wire bridge or meter bridge. A slide wire bridge or a meter bridge consists of a 1 meter long wire AC made of यूरेका और मैंगनीन. इसका मटेरियल इस तार का हम लेते हैं यूरेका या मैंगनीन. वो क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल है इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बदलने से ज़्यादा नहीं बदलता, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस चेंज करता है इनका विद चेंज इन टेम्परेचर. इसलिए हम ये लेते हैं मटेरियल इस वायर का यूरेका और मैंगनीन. इसको हम ब्रिज वायर कहते हैं. इट इज़ स्टैच्ड ऑन ए वुडन बोर्ड बिटवीन टू कॉपर स्टेप्स. ये जो दोनों कॉर्नर्स पे मैंने रेड बनाई हैं दीज आर कॉपर स्टेप्स एंड दे आर बेंट एट राइट एंगल. दोनों जो हैं दे आर बेंट एट राइट एंगल और दोनों के बीच में एक छोटी कॉपर स्टेप होती है. ऑफकोर्स ऑल दीज थ्री कॉपर स्टेप्स आर थिक एंड हैव कंपेरेटिवली लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए. रो जो है इट इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. अब आपको पता है कि कॉपर जो है इट इज़ ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनफैक्ट ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स और उन मेटल्स में से बेस्ट होता है सिल्वर और दूसरे नंबर पर है कॉपर. तो कॉपर बहुत अच्छा कनेक्टर होने का मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है यानी कि इसकी रेजिस्टिविटी रो बहुत कम होती है. और ये जो कॉपर स्टेप्स हैं इनकी लेंथ भी थोड़ी होती है तो इसका मतलब रो भी कम है एल भी कम है. और क्योंकि इनको हम थिक लेते हैं वाइड लेते हैं इसका मतलब इनका एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है. रो कम एल कम ए ज़्यादा तो उससे इनका रेजिस्टेंस जो दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल. यानी कि ये जो कॉपर स्टेप्स हैं तीन, दो जो साइडों पे हैं विच आर बेंट एट राइट एंगल और एक जो बीच में है, इनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. तो इसलिए ये जो मैंने टर्मिनल ए बनाया यहाँ पे और यहाँ पे ये जो टर्मिनल है
दे आर कनेक्टेड थ्रू दिस कॉपर स्ट्रिप जिसका कि रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कितना है जीरो। इसका मतलब ये दोनों टर्मिनल सेम टर्मिनल का काम करते हैं, टर्मिनल ए का। अब ये जो बीच वाली स्ट्रिप है ये वाली, इसमें तीन टर्मिनल मैंने शो करे हैं, ये तीनों एक ही काम करते हैं। कौन से टर्मिनल का? टर्मिनल डी, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज में भी डी के नाम से लिखा मैंने। और ये जो दो टर्मिनल राइट वाली कॉपर स्ट्रिप जो है, ये वाला टर्मिनल और ये जो सी है, ये एक ही चीज़ है। इसका मतलब ये वाला भी किसका काम करता है? टर्मिनल सी का, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज में भी मैंने सी से लिखा हुआ है। और आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज भी बनाया, इसमें मैंने ये क्वाड्रिलेटर बनाई है ए ए बी सी डी, और ये ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है पी, बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है क्यू, ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस है आर, और सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस है एस। अब ए मिलीमीटर स्केल इज आल्सो फिक्स्ड ऑन द बोर्ड आइदर पैरेलल टू द ब्रिज वायर और बिलो द ब्रिज वायर टू मेजर इट्स लेंथ। अब देखिए, ये जो ए और सी पॉइंट्स हैं, ये लेफ्ट कॉर्नर पे पॉइंट ए और राइट कॉर्नर पे पॉइंट सी, नीचे देखो दे आर कनेक्टेड थ्रू ए सेल एंड ए की, इस की को हम बोलते हैं बैटरी की। और ये देखिए ऊपर डी है, डी को नीचे, ये जो बी पॉइंट है ये हम एक्सपेरिमेंट करके ढूंढेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे इसको ढूंढते हैं। तो डी और बी के बीच में हमने क्या जोड़ा? एक सेंसिटिव सेंटर जीरो गल्वेनोमीटर, और उसके साथ जोड़ दिया हमने यहाँ पे जोकी। ये जोकी इसको बोलते हैं, इसको स्लाइडिंग की भी कहते हैं। अब जरा देखो, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस पी आता है, तो ये पॉइंट बी जो हम एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे, ए से लेके बी तक जितनी वायर की, ब्रिज वायर की लेंथ आई, उसका रेजिस्टेंस पी के बराबर है। और आप देखो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में बी और सी में हमने क्यू को जोड़ा है, तो यहाँ पे बी से लेके सी तक जितनी लेंथ है ब्रिज वायर की, उसका रेजिस्टेंस क्यू के बराबर है। अब देखिए, हमने ए और डी के बीच में व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो आप ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ना है, तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट डी हो गया, तो इनके बीच में ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया। फिर देखिए आप व्हीटस्टोन ब्रिज में सी और डी में अननोन रेजिस्टेंस है, अब ये पॉइंट सी, यहाँ भी सी और ये डी, और इनके बीच में ये रेजिस्टेंस एक्स आ गया, विच इज़ द अननोन रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसका, ये जो मैंने बनाया मीटर ब्रिज और साइड वायर ब्रिज, इसको कंपेयर करें व्हीटस्टोन ब्रिज से, तो बिल्कुल वही चीज़ बन गई। दैट इज़ वाई दिस स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज इज कॉल्ड प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कनेक्शन के, ए और सी के बीच में आपने जोड़ देनी है एक बैटरी और एक की जोड़ देनी है, जिसको बैटरी की कहते हैं। बी और डी के बीच में गल्वेनोमीटर, उसके साथ जोड़ देनी है जोकी, और अननोन रेजिस्टेंस को जोड़ना है सी और डी के बीच में, और रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ना है ए और डी के बीच में। अब प्रोसीजर क्या है? हम क्या करेंगे कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से सूटेबल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, जैसे एक ओम, दो ओम, तीन ओम, जो भी हम रेजिस्टेंस निकाल सूटेबल समझे वो निकालेंगे। उसके बाद हम बैटरी की को डालेंगे के को, और फिर जोकी को हम प्रेस करेंगे ऑन द गल्वेनो ऑन द ब्रिज वायर। आप देखेंगे कि इसमें थोड़ी डिफ्लेक्शन आएगी, वो डिफ्लेक्शन राइट की तरफ भी जा सकती है, वो डिफ्लेक्शन राइट की तरफ भी जा सकती है, लेफ्ट की तरफ भी जा सकती है। आपने क्या करना है कि इस स्लाइड जो स्लाइडिंग की या जोकी है, उसको ब्रिज वायर पे लेफ्ट या राइट की तरफ, जिस तरफ डिफ्लेक्शन कम हो उस तरफ स्लाइड करना है, और इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि डिफ्लेक्शन हो जाए ज़ीरो। जब डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगी तो हम कहेंगे दैट द ब्रिज इज बैलेंस्ड, और मान लो वो जो बैलेंस पॉइंट आता है वो बी पे आता है, तो ए से लेके बी तक हम लेंथ देख माप लेंगे विद द हेल्प ऑफ द मिलीमीटर स्केल। वो लेंथ मान लो आ गई 100, और क्योंकि पूरी ब्रिज वायर की लेंथ होती है 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर, तो अगर ए से लेके बी तक एल सेंटीमीटर है, तो बी से लेके सी तक रह गई 100 माइनस एल सेंटीमीटर। सो हमने एल नोट कर लिया, तो उससे हमें 100 माइनस एल भी पता चल गया। नाउ वी कम टू कैलकुलेशंस।
मान लो ए बी जैसे मैंने आपको बताया वो एल सेंटीमीटर है, तो बी सी कितना हो जाएगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज पी, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, पी इज द रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ए बी ऑफ द ब्रिज वायर, और ए बी लेंथ कितनी मैंने ली है एल, तो ये आ गया रो इंटू एल बाई ए। रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल ऑफ द ब्रिज वायर, और क्यू क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ बी सी ऑफ द ब्रिज वायर, वो आ गया रो, तो आना ही आना है। लेंथ कितनी हो गई 100 माइनस एल बाई रो, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आपको पता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो आर प्रोपोर्शनल टू आता है एल ओवर ए, और यू कैन से दैट आर इक्वल टू रो इन टू एल बाई ए, वेयर रो इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल ऑफ द गिवन कंडक्टर एंड इट्स वैल्यू इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटीरियल्स। यहाँ पे जो रो है इट इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द ब्रिज वायर ऑफ द ब्रिज वायर। सो हमने पी पता कर लिया, क्यू पता कर लिया। नाउ व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड देन व्हाट इज पी वाई क्यू इक्वल टू, पी वाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एस आ गया आर इंटू क्यू बाई पी। अब आर को तो वैसे लिख लिया, और Q की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली रो इंटू 100 माइनस एल ओवर ए, ए जो है इट इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रिज वायर, और P की वैल्यू हमने ऊपर लिखी रो इंटू एल बाई ए। अब ये रो से रो चला गया, एल से एल चला गया, ए से ए चला गया, तो हमारे पास S आ गया इक्वल टू R बचा, ऊपर 100 माइनस एल बचा, नीचे L बचा, देर फो एस इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल ओवर L। अब हमें पता है कि हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितना रेजिस्टेंस निकाला था, वो पता है, इसका मतलब आर हमें पता है। फिर एल हमें पता है, वो नोट कर लिया हमने कि ए से लेके बी तक कितनी लेंथ है, वो हमने नोट कर लिया, तो एल भी पता है। सो वी कैन फाइंड व्हाट इज एस एंड दैट इज द रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस विच वी वांटेड टू मेजर। सो दैट इज द वर्किंग ऑफ ए स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। Now we have some high yield points. पहला है कि जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था, जिस दिन मैंने आप व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस किया था, कि ये एक नल मेथड है। नल मेथड का मतलब होता है कि इसमें हमें डिफ्लेक्शन नोट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम जीरो डिफ्लेक्शन लेके आते हैं। अगर डिफ्लेक्शन नोट करनी हो तो उसमें तो थोड़ी बहुत हम गलती कर सकते हैं नोट करने में, लेकिन अगर लानी डिफ्लेक्शन जीरो है तो इसलिए ये बहुत एक्यूरेट, कोई भी मेथड जो नल मेथड होगा इट विल बी वेरी वेरी एक्यूरेट। तो इसलिए इस मेथड को यूज़ करके जो हम अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट होता है। फिर उसके बाद कई बार एग्ज़ाम में पूछते हैं कि क्या वो जो हमने सेलेजियम बैटरी यूज़ करी सर्किट में, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का या गल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट पड़ता है हमारे रिजल्ट पे? द आंसर इज नो। सो रिमेंबर देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और द बैटरी एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गल्वेनोमीटर। देन द ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, ये मैंने आपको पहले भी बताया उस वीडियो में जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज हमने किया था, देर इज दैट द ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन द रेजिस्टेंसेज इन इट्स फोर आर्म्स आर कंपेरेबल, यानी कि अगर चारों आर्म्स में रेजिस्टेंसेज ऑलमोस्ट बराबर हों, कंपेरेबल का मतलब होता है ऑलमोस्ट बराबर हों, तो जो रिजल्ट आता है हमारा दैट इज़ वेरी वेरी एक्यूरेट। देन इट कैन बी यूज टू मेजर, इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर वेरी लो और वेरी हाई रेजिस्टेंसेज, ये मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था। देन इट कैन बी यूज टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज और दी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेजिस्टेंसेज। मान लो हम दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके या पैरेलल में कनेक्ट करके उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, देन वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। देन इट कैन बी यूज टू मेजर अननोन टेम्परेचर, अननोन टेम्परेचर भी हम इसे निकाल सकते हैं। लेट अस से As understand how, तो suppose the resistance of, इसके लिए हम use करते हैं platinum wire, platinum wire, तो मान लो वो जो platinum wire है उसका resistance, उसको मैं conductor लिख रहा हूँ यहाँ पे, actually it is a platinum wire,
क्योंकि प्लेटिनम वायर को हम यूज़ करते हैं जब टेम्परेचर मापने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं प्लेटिनम वायर थर्मामीटर, तो उसमें हम प्लेटिनम वायर यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी मान लो मैं एक प्लेटिनम वायर लेता हूँ, उसका 0°C पे रेजिस्टेंस R0, ये कैसे निकालना है मैं अभी आपको बताऊँगा, और 100°C पे उसका रेजिस्टेंस है R100 और 30°C पे उसका रेजिस्टेंस है RT। नाउ इफ अल्फा इज़ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, आप ज़रा ध्यान से समझो कि व्हाट इज़ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ऐसा है, हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर का, कंडक्टर होता है जिसमें से करंट बड़ी आसानी से निकल जाता है, जैसे ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स और कंडक्टर्स, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत कम है, और सभी कंडक्टर्स का, सभी मेटल्स का रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो मान लो कि जो प्लेटिनम वायर है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है अल्फा, तो फिर हम फार्मूला यूज़ करते हैं आरटी, आरटी मींस इट्स रेजिस्टेंस है 30°C इक्वल टू R0, R0 इज इट्स रेजिस्टेंस है 0°C इनटू 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ पे अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और टी क्या है, 0 से लेके 30°C तक जो टेम्परेचर बढ़ी, तो इसको टी को हम बोल सकते हैं राइज इन टेम्परेचर। अब सिमिलरली अब क्या करो कि RT ओवर R0 को नीचे ले आओ RT के, तो RT ओवर R0 आ गया 1 प्लस अल्फा टी, और 1 को लेफ्ट साइड पे लेके आए तो आ गया RT ओवर R0 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा टी। अब यहाँ पे LCM आ गया R0 लेफ्ट साइड पे, तो इस तरफ आएगा RT माइनस R0 ओवर R0, और उस R0 को मैं राइट साइड पे ले जाऊँगा तो आ जाएगा RT माइनस R0 इक्वल टू R0 इंटू अल्फा टी, RT माइनस R0 इक्वल टू R0 इंटू अल्फा टी। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। देन R100 विल बी इक्वल टू, अब टी ही जगह मैं 100 पुट कर रहा हूँ, जिनके टेम्परेचर बढ़ाई मैंने 0 टू 100, R100 विल बी R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, और टी यहाँ पे कितना ले रहा हूँ मैं 100, तो यहाँ पे आ जाएगा टी की जगह 100 आएगा, तो R0 तो बाहर है ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 अल्फा, और अब R0 नीचे ले आओ, R100 ओवर R0 इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फा, और R100 माइनस R ओवर R0 माइनस 1 इक्वल टू 100 अल्फा। अब यहाँ भी LCM कितना आ गया R0, और इस तरफ आ गया R100 माइनस R0, और राइट साइड पे मैं R0 ले गया तो आ जाएगा 100 R0 इंटू अल्फा। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो तो आ जाएगा RT माइनस R0 ओवर R100 माइनस R0। ये मैंने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया। अब राइट साइड पे R0 से R0 कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, T आ जाएगा इक्वल टू RT माइनस R0 ओवर R100 माइनस R0, और ये जो नीचे 100 था वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अगर हमें RT पता हो, R0 पता हो, R100 पता हो, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करके T निकाल सकते हैं, विच इज़ द अननोन टेम्परेचर। अब ऐसा कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो हमने स्लाइड वाले ब्रिज पढ़ा उसमें जो S है उसकी जगह पे हम प्लेटिनम वायर को 0°C में रख लेंगे, यानी कि उसको मेल्टिंग आइस में रख सकते हैं, तो मेल्टिंग आइस की टेम्परेचर होती है 0°C, तो उस टेम्परेचर पे जैसे हमने S ऊपर निकाला है वैसे वैल्यू निकालेंगे, वो उस प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस आ जाएगा 0°C पे, जिसका नाम मैंने क्या रखा है R0। उसके बाद मैं उसी वायर को स्टीम में रखूँगा, और आपको पता कि स्टीम की टेम्परेचर कितनी होती है 100°C। अब उसको S की जगह कनेक्ट कर दूंगा द्वारा, तो फिर मैं उसका अननोन रेजिस्टेंस निकालूंगा बाई द सेम मेथड, वो जो रेजिस्टेंस आ जाएगा दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर एट 100°C। अब मैं उसी प्लेटिनम वायर को उस बाथ में रख दूंगा जिसकी टेम्परेचर मैंने निकालनी है, जो कि हमने यहाँ पे लिया T°C, उसको उस बाथ में रख के फिर वहीं S की जगह कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करके हम जैसे S की वैल्यू निकालते हैं वैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास RT। इसका मतलब
विद द हेल्प ऑफ द स्लाइड वायर ब्रिज हमने आर जीरो निकाल लिया, आर हंड्रेड निकाल लिया और आर टी निकाल लिया. देन पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन वी गेट टी द टेम्परेचर ऑफ द बाथ. सो दैट इज हाउ वी कैन यूज द स्लाइड वायर ब्रिज और द मीटर ब्रिज टू डिटरमिन एन अननोन टेम्परेचर. So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.